क्या बढ़िया दिन है। मिसेज निम अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है। मेरे स्केट चमक रहे हैं। बड़े उठ जाओ। बड़े उठ जाओ। बड़े अब उठ भी जाओ। आज मेरा रोलर स्केटिंग शो है। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। अब जल्दी करो। हे छोटे, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बच्चों जल्दी से आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, स्कूल का टाइम हो जाएगा। आ रहे हैं। फटाफट बड़े। ओ मेरा बैग। ये छोटे के लिए और ये बड़े के लिए। शुक्रिया मम्मी। चलो अब तुम लोग स्कूल जाओ और वहाँ जाकर ब्रेकफास्ट कर लेना। पता है क्यों? हमें बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। हाँ तो ठीक है। सुनो बच्चों, मम्मी तुमसे प्यार करती है। तुम्हारा दिन अच्छा रहे। हमारे मम्मी के खाने का कोई जवाब नहीं। छोटे, छोटे आ जाओ, सब तैयार है, बस तुम्हारे लिए रुके थे। आ रहे हैं। छोटे तुम्हारा नाश्ता। तुम खाओ, मेरा पेट भरा हुआ है। बच्चो मुझे अभी शो की तैयारी करनी है, तुम तब तक खेल सकते हो। मुझसे क्यों नहीं हो रहा? छोले क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, फिर इसे हवा में पहुंचा दो। तुम उसे पकड़ नहीं पाए, छोटे तुमसे ना हो पाएगा। मैं कर सकता हूँ, ये तो सिर्फ एक गलती थी। बड़े मुझे माफ कर दो। छोटे तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। इसे पकड़ो। अभी तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। मुझसे शर्त लगा रहे हो? ये देखो। मुझे भूख लगी है। छोटे तुम ठीक तो हो ना? तुम भूखे हो क्योंकि तुमने नाश्ता नहीं किया, इसलिए तुम स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर रहे हो। फिक्र मत करो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। छोटे आयुष्मान, अब तुम्हारी कमाल दिखाने की बारी है। मेरे ख्याल से छोटे रोलर स्केट में माहिर है। मजा आ रहा है। वाह आयुष्मान ज्यादा अच्छा है, अब देखो वो वापस जा रहा है। आयुष्मान का जवाब नहीं, लाजवाब। मैं इतना थका हुआ क्यों लग रहा हूँ? शाबाश छोटे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे रहो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मसाज कर सकता हूँ? नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ।
शो जल्द शुरू होने वाला है। कोच, हम लोग अब तैयार हैं। गुड लक दोस्तों। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। चलो। स्केटर तैयार, तो शुरू हो जाओ। छोटे ने तो कमाल ही कर दिया। तो सभी तैयार, चलो। तुम लोग कमाल कर रहे हो। चलो छोटे। मुझे फिर से दो दिख रहे हैं। छोटे, तुम ठीक हो? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है छोटे, कुछ गड़बड़ हुई तो बता देना। तैयार? शुरू करें। अब छोटे की बारी। छोटे, तुम कर सकते हो। तो रेडी। बड़े, छोटे आयुष्मान से बहुत अलग कर रहा है। वो छोटे, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, अब चलो चले। हाँ तो ये फाइनल राउंड है, सब तैयार, तो चलो। छोटे, मैं आ रहा हूँ। वाह, छोटे ने तो इस बार कमाल कर दिया। हाँ, उसने कमाल कर दिया। छोटे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। छोटे संभाल, मैं संभाल नहीं पा रहा। ध्यान से। मुझे माफ करो कोच डमरू। छोटे, बात क्या है? कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटे, क्या हुआ तुम्हें? छोटे, छोटे ठीक हो जाएगा। पर क्या तुमने आज खाना खाया था? मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। छोटे आज प्रैक्टिस करने की जल्दी में था, तो मैंने इसका ब्रेकफास्ट खा लिया, तो क्या इसी वजह से ऐसा हुआ? हमें मेहनत करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तुम खाली पेट थे इसीलिए बेहोश हो गए, समझे? मतलब क्या ब्रेकफास्ट इतना जरूरी होता है? छोटे, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। ब्रेकफास्ट हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ये बात हमेशा तुम याद रखना, ठीक है? मम्मी आप ठीक कहती हो, अब मैं समझ गया। मुन्ना देखो। ले लो। तुम लोगों ने नाश्ता किया, मैं होटल लाया हूँ, खाना चाहोगे? मैंने आज ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया था। और मैंने भी। तो ठीक है। आयुष्मान, क्या तुमने आज नाश्ता किया? मैंने तो कर लिया, पर क्या तुमने कर लिया क्या? बिल्कुल किया। वैसे मैं तो भुट्टा लाया हूँ। छोटे, अगर और कोई इसे नहीं खा रहा तो मैं इसे खा लूँ। भाई, तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इसे मुझे दे दो। बड़े, उसे पकड़ सकता हूँ तो पकड़ लो। घर जाते जाते बड़े, बबली और पिंकी एक दूसरे को अपनी पेंटिंग दिखा रहे हैं। तुम्हें मेरी ड्राइंग पसंद आई क्या? बहुत सुंदर। बबली, तुमने क्या बनाया है? मैंने
देखते हैं। वाह बबली तुम कितने क्रिएटिव हो। हाँ सचमुच बड़े। और तुमने क्या बनाया है दिखाओ। हाँ बड़े अपने पेंटिंग दिखाओ। अच्छा तो देखो। ये जरा अजीब है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए। मुझे बहुत पसंद आई सचमुच। मैं मम्मी को दिखाऊंगा उन्हें मेरी पेंटिंग जरूर पसंद आएगी। अरे बबली की पेंटिंग ये मेरे बैग में क्या कर रही है। बड़े क्या ये तुम्हारी पेंटिंग है। मम्मी आप घर आ गए। सुनो बड़े तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत अच्छी है। हाँ ये वाली भी बहुत अच्छी है। ओ, क्या ये वाली भी तुमने बनाई है। मुझे ये वाली ज्यादा पसंद आई। छोटे का इंतजार है फिर हम सब मिलकर डिनर करेंगे ठीक है। हाँ हाँ मम्मी को लगता है बबली की पेंटिंग ज्यादा अच्छी है। कल मैं बबली से पूछूंगा कि उसने ये कैसे बनाई। प्यारे बच्चों आज तुम सब अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो और जो मन में आए वो पेंट करो। बबले हाँ तुम्हारी पेंटिंग मेरे बैग में रह गई थी ये लो। थैंक यू बड़े मैं इसे ही तलाश कर रही थी पर ये मुझे नहीं मिला। तुम्हारी पेंटिंग इतनी खास है कि सबको पसंद आई। तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू। क्या तुम मुझे सिखाओगी डॉट पेंटिंग कैसे बनाते हैं। मुझे लगता है ये कमाल लगती है। हाँ बड़े तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है बहुत यूनिक है खुद पर भरोसा रखो। ठीक है। बबली बबली जरा इसे तो देखो। मैं चोरी छुपे तो सीख सकता हूँ ना। मेरे पेट में दर्द बन गई। मेरी भी बन गई। मैं तो भूल ही गई थी। मैं बताना चाहती हूँ कल आप सबकी पेंटिंग फ्लावर हिल साइड ग्रीन पर दिखाई जाएगी। अपनी बेस्ट पेंटिंग सब लोग साथ लेकर आना और जो पेंटिंग सबसे बढ़िया होगी उसे एक बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। मैं फर्स्ट आऊँगा। मैं फर्स्ट आऊँगा। मैं भी आऊँगा। मैं भी बनाऊंगी। मुझे भी जाना है। ठीक है आज की क्लास यही खत्म होती है कल मिलते हैं। बाय मिस बैनर्जी। मैं कौन सी पेंटिंग चुनूं। बड़े बड़े वहाँ चले क्या बहुत मजा आएगा ठीक है ना। ठीक है। हाँ तुम ये पिक्चर साथ लेकर आओगे। मैंने अब तक सोचा नहीं है। ये पेंटिंग तो बहुत ही अच्छी है मुझे जाना है बाद में मिलेंगे। समझ नहीं आ रहा सबको बबले की पेंटिंग ज्यादा पसंद आई। मैं कौन सी वाली चुनूं। ये वाली चुनती हूँ जंगल का रास्ता। तो मैं ये वाली चुनूंगा। इन दोनों में से ये वाली सबसे अच्छी है। मैं इसे ही चुनूंगी। बबे 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 आपको ये पेंटिंग पसंद आई। बहुत अच्छे मुझे तुम पर नाज है। मम्मी थैंक यू। मम्मी क्या आप कल आर्ट शो में आएंगे। हाँ बड़े अभी देर नहीं हुई है थोड़ा और टाइम ले लो। मैं जल्दी जाकर अच्छी सी जगह चुन लूंगा। मम्मी मैं
ठीक है, अपना ख्याल रखना। बड़े बड़े चलो। हाय पिंकी, बड़े तो पहले ही चला गया। हाँ, उसने तो बोला था हम साथ जाएंगे। तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, ये तो बड़े की पेंटिंग है ना, वो कैसे भूल गया यहाँ। पिंकी तुम तैयार हो? हाँ। मुन्ना हा? मेरे हिसाब से ये जगह अच्छी है। और मैं इधर बिल्कुल आपके पास। हाय। हाय। बड़े लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, और मैं तुम्हारी पेंटिंग लगाने में मदद करूँगा। ठीक है मुन्ना। बबली तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। राजकुमार लल्लू, आपकी ड्राइंग। मुन्ना आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, चलो शुरू करें। हाँ, मेरी पेंटिंग कहाँ गई? हाँ, वो रही, ये यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, ये थोड़ी अलग क्यों लग रही है? क्या हो गया इसे? मेरी पेंटिंग कहाँ चले गए? बड़े बड़े, तुम अपनी पेंटिंग भूल गए थे? ये मेरी नहीं है। बड़े बबले, वो मेरी पेंटिंग है। नहीं तो? हाँ वो है। ये मेरी नहीं है। राजकुमार लल्लू वहाँ देखिए। लेकिन मैं अकेली चलो चले जो डॉट पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो फिर ये पेंटिंग किसकी है? यानी दो डॉट पेंटिंग्स है? ये तो मेरी है, मुझे लगा ही था कुछ अलग लग रही है। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी पेंटिंग की नकल की। आई एम सॉरी। बड़े, तुमने बबली की पेंटिंग की सिर्फ इसलिए नकल की क्योंकि तुम्हें लगा कि वह तुम्हारी पेंटिंग से ज्यादा बढ़िया है। तो फिर ये मेरी गलती है, मुझे लगा वह तुमने बनाई थी। पता है, पर मेरी पेंटिंग किसी को पसंद नहीं। सच में, क्या किसी ने तुमसे ऐसा कहा? तो सुनो, तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही खास है। खास? इसका मतलब वो दूसरों की तरह नहीं है, बहुत खास है। देखो, हम सब चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। दूसरों के कहने पर अपने आप को कभी मत बदलना, समझे? पेंटिंग एग्जीबिशन अब चालू हो चुका है, तो हम चलकर ज्वाइन करें। मैंने डॉट से ये हरियाली की पेंटिंग बनाई है। मैंने खुद की पेंटिंग बनाई है, मैं बिल्कुल राजकुमार लग रहा हूँ। क्या ये तुम्हारी पेंटिंग है? हाँ ये है। मुझे ये काफी अच्छी लगी। क्या आपको लगता है? वैसे इसके पीछे की वजह क्या है? हुआ ये था कि मैं पेंटिंग कर रहा था और मैंने इमेजिन किया कि सब कुछ ब्लॉक्स के शेप में है, रेक्टेंगल ट्राइंगल, इसे बनाना दिलचस्प होगा। फिर मैंने ये शेप जोड़ जोड़ कर पेंटिंग बनाई। तुमने सुना? क्या बात है, सच बहुत में अच्छी पेंटिंग है। बड़े, पेंटिंग की और भी टिप्स शेयर करो। बिल्कुल, जब भी मैं पेंटिंग शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना आसपास देखता हूँ।